अब 150। इस दुनिया में हम रह रहे हैं जिधर सिर्फ कल रात इंडियन टीम ने 20 ओवरों में 283 रन मारे हैं, इंडियन टीम ने 20 ओवरों में 297 रन मारे हुए हैं, इंडियन टीम के दो बैट्समैनों ने एक T20 मैच में 20 ओवरों में 200 मारे हैं, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने, और इधर हमारा वो लिपस्टिक एक्टर मौलवी और वो घंटे का किंग घंटा बोब्जी, इन दोनों से रन नहीं हो रहे, वो 25 बॉलों पे 16 रन करके जा रहा है। भाई जीता हुआ T20 पाकिस्तान हार गया और सीरीज तो पाकिस्तान हार गया। 148 रन चेस में भी अगर हमारे सीनियर्स आउट हो जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मोरल तो नीचे जाएगा ना। रिजवान को आप देखो स्ट्रगल कर रहा है। ये 147 ही चेस कर सकते, और यार तुम 200 का टारगेट हो तो समझ आए कि 200 चेस करते हुए तुम लोग को मौत पड़ गई है। 147 का टारगेट है, दुनिया जहां की क्रिकेट 283 कर रहे हैं, 297 कर रहे हैं। जिस टीम की पहली बाउंड्री आएगी जाके 10वें ओवर में, ये T20 मैच चल रहा है, पहला चौका 10वें ओवर में जाके आएगा, वो टीम को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, उसको तो गोते देने चाहिए ठंडे पानी में। पाकिस्तान ये मैच हारा कैसे? 148 का टारगेट पाकिस्तान को मिला और वहां पे लगा कि मैच पाकिस्तान जीत गया और सीरीज में वापस आ गया, मगर फिर ना ओपनिंग चली ना मिडिल ऑर्डर में कहीं पे चला। तो अभी रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद T20 छोड़ दी है, तो क्या फर्क पड़ा उनकी टीम में ये तो बताएं। वो संजू सैमसन और तिलक वर्मा जो मार मार के उसने बुरा हाल किया हुआ है, वो तो भाई उनके पास प्लेयर्स भी हैं, उनके पास प्लेयर्स खेलने वाले भी हैं, हमारे पास क्या है? नहीं परफॉर्म हो रहा, मैं छोड़ दूँ किसी और को खिला लेता हूँ ना। इस घंटे ने दो कैच छोड़े आज, इस बोब्जी ने दो कैच छोड़े आज, ना इसे कैच पकड़े जाते हैं, ना इसे जो है वो फील्डिंग अच्छी होती है। कप्तान जब ये था तो इसकी कप्तानी भी फर्क थी। बैटिंग में पहले मैच में 3 रन, दूसरे मैच में 3 रन, और मेरा चंकना का किंग फिर तेरा बाप आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, आप पर कल रात से सोया नहीं है, वो बाथरूम ने ये मॉडर्न डे क्या? ये तो पत्थर के जमाने का भी T20 क्रिकेट का अंदाज नहीं है। ये तो जब T20 क्रिकेट इनोवेट हुई थी, जब हुई थी तब भी किसी ने सोचा होगा यार कोई आगे जाके एक ऐसी टीम आएगी जिसका पहला चौका 10वें ओवर में जाके आएगा। हे दोस्तों, जय हिंद। आज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में हरा कर सीरीज अपने नाम कर ली है। हालांकि पूरा मैच पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान को सिर्फ 147 रन चेस करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम और रिजवान ने वापस चले गए और कोई भी पाकिस्तान को जीतने में कामयाबी नहीं दिला पाया। पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में पूरी तरह से चुप है। तनवीर, हम पिछवाड़े में आग लगाएंगे और तुम जल्दी बाहर जाओगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भाई जीता हुआ T20 पाकिस्तान हार गया और सीरीज तो पाकिस्तान हार गया। पहला ओवर जो शाहीन अफरीदी ने किया, यार आप इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, मतलब अगर आप पहले ओवर में 21 रन देंगे तो भाई बैटिंग साइड का कॉन्फिडेंस, उसका मोरल कहां जाएगा, ये तो बता दे मुझे। हर जगह तो आपने पहले ओवर में बॉल कर दी, क्या आपको कप्तान ने ये बोला था कि सिर्फ आपने एक ही ओवर करना है? इस एक ओवर के अंदर दे दो, जितने रन भी देने दे दो। उसके बाद नसीम शाह पे आ जाते हैं, 16 रन नसीम शाह भी मुंह पे पीछे हर जगह पे। दो एक्सपीरियंस बॉलर पाकिस्तान के, उन्होंने इतनी पथेटिक किस्म का स्टार्ट करके दिया। कैचेस हम छोड़ी जा रहे हैं, मतलब बाबर भी कैच छोड़ा है, सलमान भी स्लिप में कैच छोड़ा है, शाहीन भी कैच छोड़ा है, सीधे सीधे हम लोग कैचेस भी छोड़ रहे हैं। 148 रन चेस में भी अगर हमारे सीनियर्स आउट हो जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मोरल तो नीचे जाएगा ना। रिजवान को आप देखो स्ट्रगल कर रहा है, उससे भी शॉट्स नहीं लग रही। तो जब सीनियर्स को प्रॉब्लम होगा तो फिर जूनियर कैसे करेंगे? सलमान आगा, आप वाइस कप्तान है भाई, भाई आप में अकल समझ है थोड़ी सी या नहीं है? बस रेलू कट्टे की तरह शॉटें मारनी है। हमारी बैटिंग में यही प्रॉब्लम है, हम सिचुएशन को समझते ही नहीं है। हम कहते हैं भाई बस बल्ला हाथ में घुमाई जाओ। आपने जो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डालना था आपने डाल दिया था, रह क्या गया था पीछे, दिल्ली की दुम रह गई थी सिर्फ, अब वो आपने क्या खेलना था? अगर आप लोग सारे ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम को टीम से निकालो T20 में, तो मुझे ये बता दो ना उसके बाद आपके पास है क्या, ये तो पहले मुझे बताएं। तो अभी रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद T20 छोड़ दी है, तो क्या फर्क पड़ा उनकी टीम में, ये तो बताएं। वो संजू सैमसन और तिलक वर्मा जो मार मार के उसने बुरा हाल किया हुआ है, वो तो भाई उनके पास प्लेयर्स खेलने वाले भी हैं, हमारे पास क्या है? पहला T20 बहुत बुरा खेला, दूसरा भी आज बहुत बुरा खेला, लेकिन ये जो मेरे घंटे की टीम है ना, ये जो मेरी दो टके की टीम है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कर देंगे, और इनसे 150 चेज नहीं होता, मतलब 150। इस दुनिया में हम रह रहे हैं जिधर सिर्फ कल रात इंडियन टीम ने 20 ओवरों में 283 रन मारे हैं, इंडियन टीम ने 20 ओवरों में 297 रन मारे हुए हैं, इंडियन टीम के दो बैट्समैनों ने एक T20 मैच में 20 ओवरों में 200 मारे हैं, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने, और इधर हमारा वो लिपस्टिक एक्टर मौलवी और वो घंटे का किंग घंटा बोब्जी, इन दोनों से रन नहीं हो रहे, वो 25 बॉलों पे 16 रन करके जा रहा है, वो 3 रन करके जा रहा है, इनसे 150 चेज नहीं हो रहा, इनसे बातें करवा लो, इनसे रन नहीं होते, इनसे बातें करवा लो।
कल टीम इंडिया 283 रन कर गया साउथ अफ्रीका में, और इंडिया की सारी यंग साइड थी, और भाई इंडिया की तो सारी यंग साइड थी, ऑस्ट्रेलिया की यंग साइड थी, और भाई पाकिस्तान की मेन टीम है, लंगड़ा भी खेल रहा है, टेपिया भी खेल रहा है, नसीमा भी खेल रहा है, घंटा भी खेल रहा है, लिपस्टिक भी खेल रहा है, सारे खेल रहे हैं, लेकिन 150 नहीं हुआ। और भाई आपको शर्म नहीं आती, या बाबर आजम को शर्म नहीं आती, मुझे बताओ ये बाबर आजम के अंदर शर्म हया वाली चीजें खत्म हो चुकी हुई है, और बंदे के अंदर खुद ही शर्म होती है यार नहीं परफॉर्म हो रहा, मैं छोड़ देता हूं टी ट्वेंटी क्रिकेट, नहीं परफॉर्म हो रहा मैं छोड़ देता हूं किसी और को खिला लेता हूं ना। इस घंटे ने दो कैच छोड़े आज, इस बॉब्सी ने दो कैच छोड़े आज, ना इसे कैच पकड़े जाते हैं, ना इसे जो है वो फील्डिंग अच्छी होती है, कप्तान जब ये था तो इसकी कप्तानी भी फर्क थी, बैटिंग में पहले मैच में 3 रन, दूसरे मैच में 3 रन, और मेरा चंकना का किंग फिर तेरा बाप आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, आप पर कल रात से सोया नहीं है वो बाथरूम में, और तेरे से अच्छा तो वो तिलक वर्मा है, 19 मैच में 200 मार गया वो, तेरे से अच्छा संजू सैमसन है, 300 उसके हो गया पिछले 5 मैचों में, परफॉर्मेंस उसकी चेक कर ले, अपनी तो परफॉर्मेंस चेक कर ले, लंगड़ा आया पहला ओवर करने 16 रन खा गया, पिछले मैच में लंगड़ा पहला ओवर करने आया 16 रन खा गया, वो नसीमा आता है वो 17 रन खा जाता है, 26 रनों पर 16 रन, मोहम्मद रिजवान कर रहा है एक चौका, 61 का स्ट्राइक रेट, ये तो टेस्ट क्रिकेट है, ये तो टेस्ट क्रिकेट है, घंटे के तेरे से इससे तेज तो बैस बाल में इंग्लैंड ही खेल जाते हैं, वो मेरा बहन का स्टोक खेल जाता है। भाई जिस टीम की पहली बाउंड्री आएगी जाके 10वें ओवर में, ये टी20 मैच चल रहा है, पहला चौका 10वें ओवर में जाके आएगा, वो टीम को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, उसको तो गोते देने चाहिए ठंडे पानी में, बेशर्मी की सारी हदें पार, 10वें ओवर में पहली बाउंड्री, ये है जनाब तरीकाकार टी20 इंटरनेशनल खेलने का, 10वें ओवर में टी20 का खेला, 20 ओवर का टोटल खेला, और 10वें ओवर में जाके पहला चौका रिजवान साहब मार रहे हैं कि जो 12 रन करके 24 गेंदों पे खड़े थे, 25वीं गेंद पे चौका मारा, 26वीं में मुंह उठा के वापस चले गए। तो ये आपके जो सीनियर्स हैं, ये बाबर, ये रिजवान, ये नसीम, ये शहीन, के जो आपके लिए मैच जीते हैं वो आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं, उल्टा आपके लिए मैच वो मैच आफ्टर मैच आप हारे जा रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज में आपकी बैटिंग तो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुई, तो अभी जब टी20 में आपकी बैटिंग थोड़ी सी टेस्ट होने लगी है, तो आप पिछले मैच में वो बाबर और रिजवान पिछले मैच में बल्ला पकड़ के नहीं आए जब 7 ओवरों में 93-94 करना था, आज वो बल्ला पकड़ के आ गए और मैच जो है उसका बेड़ा गर्क और सत्यानाश करके चले गए, पहला दूसरा तीसरा पावर प्ले के 6 ओवर निकल गए, 7वां 8वां अब मारेंगे अब चौका लगेगा, आपको छक्का लगेगा, वो बेशर्म 10वें ओवर में जाके चौका मारोगे तुम तो कैसे तुम लोग जीतोगे, कैसे टी20 के नाम पे धब्बा, ये मॉडर्न डे का, ये तो पत्थर के जमाने का भी टी20 क्रिकेट का अंदाज नहीं है, ये तो जब टी20 क्रिकेट इनोवेट हुई थी जब हुई थी तब भी किसी ने सोचा होगा यार कोई आगे जाके एक ऐसी टीम आएगी जिसका पहला चौका 10वें ओवर में जाके आएगा, ये रिजवान बढ़ता है यू आर ट्राइंग टू डू यार दफा हो जाओ बाहर आउट हो गए या कोई चौके मारो या कोशिश करो मारने की, और तुम लोग ना सिंगल डबल भी नहीं, चौका तुम लोगों से नहीं लगता, छक्का तो बड़ी दूर की बात है, या कोशिश करो तेज खेलने की या निकल जाओ यहां से, एंड पे वो नीचे वाला चलो इरफान अभी नया बच्चा डाला तो 20 ओवरों में तुम लोग ऊपर से तेज खेलते हो दफा हो जाओ ना, नहीं होता तुम निकल जाओ आउट होकर चले जाओ, नीचे वाले आने हैं कुछ उनको गेंदे मिल जाए कि कहीं ना कहीं वो अपनी इनिंग्स बेहतर तरीके से प्लान कर लें, मैच आफ्टर मैच वही कहानी वही बकवास वही जिल्लत वही रुसवाई, और ये रिजवान का अब तो कैप्टन भी माशाल्लाह से बने हुए, ओडीआई में तो चलो ठीक है, टी20 में भाईजान बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस तरीके से ये खेलता है, और ये पाकिस्तान को मैच आफ्टर मैच ये कॉस्ट करते जाते हैं, ये 147 ही चेस कर सकते, और यार तुम 200 का टारगेट हो तो समझ आए कि 200 चेस करते हुए तुम लोगों को मौत पड़ गई है, 147 का टारगेट है, दुनिया जहां की क्रिकेट 283 कर रहे हैं, 297 कर रहे हैं, दूसरी टीमें पावर प्ले में अन्नेवा मार दी है, और एक अपनी टीम है जिससे 147 चेज नहीं हो रहा, पहला चौका 9.1 ओवर के अंदर जाके लगा है, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है टुक टुक किंग, लेकिन टी20 में हमारी क्रिकेट के दुश्मन क्यों बन गए हो, वर्ल्ड कप अभी हम लोग हारे हैं, बाबर आजम फिर से कैच आउट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको पता नहीं कौन सा जोश आ गया कि मैंने आते साथ ही छक्का मार दिया, पाकिस्तान ये मैच हारा कैसे, 148 का टारगेट पाकिस्तान को मिला और वहां पे लगा कि मैच पाकिस्तान जीत गया और सीरीज में वापस आ गया, मगर फिर ना ओपनिंग चली ना मिडिल ऑर्डर में कहीं पे चला, इससे पहले 7 ओवर का मैच हुआ वहां पे भी ऐसा लगा कि आपकी पूरी टीम आउट हो जाएगी, 20 ओवर का मैच हुआ वहां पे भी ऐसा लगा कि पूरी टीम आउट हो, अब तो यहां पे हो ही चुकी है, बाबर आजम पहली इनिंग में पहले मैच में भी रन नहीं कर पाए इसमें भी नहीं कर पाए, रिजवान थोड़ा रुके जरूर मगर उनकी इकोनॉमी ऑफकोर्स ज्यादा इनकर्चेबल नहीं थी और थोड़े से रन किए, जहां पर मैच उनको बना के जाना चाहिए था वहां पर वो आउट हुए, सुलमाना का पहली बॉल के ऊपर आउट हुए, मगर सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, इवन के रिजवान बाबर सुलमाना के आउट होने के बावजूद भी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है, आपको 16 ओवर मिला वहां पर आपने 2 विकेट गवा दी, 17 ओवर जंपा आया आपने वहां पर 2 विकेट गवा दी, आप जब चेस करने जा रहे हैं और क्रूशियल स्टेज आपके पास आ चुके हैं, आपने 2 ओवर में 4 खिलाड़ी को अपनी विकेट गवा बैठे, उसके बाद मोमेंटम आपके हाथ में रहता ही नहीं, अगर ये मैच मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी मिस्टेक से हारा है, अगेन बुरी फील्डिंग से हारा है, जब आप किसी मैच के अंदर 4 कैचेस छोड़ते हैं और वो टी20 मैच होता है, बट पाकिस्तान ने 4 कैचेस छोड़े और 4 कैचेस वो ना छोड़ते शायद 148 वाला था, शायद 120 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो सकता था, मगर सीरीज पाकिस्तान हार चुका हुआ है, और ये अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान उनकी मजबूत वनडे टीम से जीता है, वनडे वो वर्ल्ड चैंपियन है और टी20 टीम से हार गया सीरीज,
ये पाकिस्तान कर सकता है सकती है, मगर ये हार किसी तरह से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है क्योंकि ये मैच पाकिस्तान की झोली में था जो पाकिस्तान ने खुद गवाया। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि तनवीर इतना चीख रहा था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था, बल्लेबाजी भी नहीं हो रही थी। आप इंग्लैंड को हराकर बड़ी टीम बन गए लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो आज इसके लिए चिल्लाओगे अपने घर में जीत गए, लेकिन पूरी तरह से बाहर निकल गए और वह 147 चेज भी नहीं कर पाया, जबकि तुम सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में एक महान टीम बन गए थे। इसलिए तुम एक हफ्ते पहले चिल्ला रहे थे कि हमारा टीम एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी। अरे तुम्हारी टीम की यही औकात है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।